सो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस, मेरा यहाँ पे बैटरी स्टूडियो ओपन नहीं हो रहा है। मैं जस्ट ट्राई अगेन करता हूँ तो तभी यही प्रॉब्लम आ जाती है। सो गाइस अगर आप लोग बैटरी स्टूडियो ओपन नहीं हो रहा है, ज़्यादा टाइम गवा देना हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस क्या करना, आप लोगों को प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद आप लोग सर्च बार में टाइप करना YT स्टूडियो, ठीक है, YT स्टूडियो में यहाँ पे टाइप कर देते YT स्टूडियो और आप लोग YT स्टूडियो को सर्च कर लेना, ठीक है। जब सर्च होता है तो आप लोग देख लेना YT स्टूडियो अपडेट के लिए है नहीं, और आपको अपडेट है तो अपडेट कर लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको बैक कर लेना है। देन बैक करने के बाद आप लोगों को क्या करना, आप लोगों फ़ोन की सेटिंग ओपन कर लेना, ठीक है। जब फ़ोन की सेटिंग ओपन हो जाती है तो गाइस आप लोग यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है। उसके बाद आप लोग स्क्रॉल डाउन कर लेना और आप लोग वहाँ आ जाना जहाँ भी आपकी ऐप इंस्टॉल हो जाती है वहाँ। अगर आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो गाइस क्या करना है, इसको मिनिमाइज़ कर लेना और आप लोगों देख लेना YT स्टूडियो कहाँ यहाँ पे देखो मतलब, इसको लॉन्ग प्रेस कर लेना इस तरीके का। उसके बाद आप ऐप इन्फो पे आ जाना, देन ऐप इन्फो पे आ जाने के बाद आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आता है। उसके बाद परमिशन पे क्लिक कर लेना, उसके बाद आपको परमिशन को यहाँ पे सब परमिशन को अलाउ कर देना, ठीक है। मैं कैमरे का आइकन यहाँ पे अलाउ कर देती हूँ और आपको बैक आना है और यहाँ पे बैक आ जाते हैं। बैक आ जाने के स्टोरेज एंड चेक पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग स्टोरेज चेक पे क्लिक ओके कर लेते हैं, उसके बाद क्लियर चेक भी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद बैक आना है, उसके बाद मोबाइल डाटा एंड वाईफाई, मोबाइल डाटा एंड वाईफाई क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे मोबाइल डाटा इसको इस तरीके बैक हो यानी ऑफ हो तो इसको ऑन कर देना। इसी तरीके डाटा यूज है इसको भी यहाँ पे ऑन कर देना। उसके बाद बैक आना है, बैक आने के बाद आपको फिर से दोबारा से YT स्टूडियो ओपन कॉल ओपन कर लेना है और उसके बाद आप लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। थोड़ा वेट कर लेते गाइस, देख सकते हो गाइस यहाँ पे YT स्टूडियो ओपन हो जाता है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लेते, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे YT स्टूडियो देख सकते गाइस, यहाँ पे मेरे स्टूडियो ओपन हो चुका है। सो गाइस आप लोग अभी बड़ी आसानी तरीके YT स्टूडियो ओपन कर सकते हो। सो गाइस उम्मीद करता हूँ गाइस जो जानकारी आप जानना चाहते थे आपको मिल चुकी होगी। तभी भी आपको YT स्टूडियो ओपन करने में कोई भी दिक्कत परेशानी मालूम पड़ती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, हम आपको जल्द से रिप्लाई कर देंगे। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।